एंट्रोपी को यदि प्रावस्था फलन के रूप में जानना है तो हम एक बेलन जिसमें कि भार रहित एक पिस्टन लगा होता है और इसके अंदर गैस भरा होता है, तो यहाँ पर इस बेलन का संबंध एक गर्म ऊष्मा पिंड से कर देते हैं। और यहाँ पर गैस का चूंकि आयतन है, जब हम पिस्टन द्वारा दबाव डालते हैं तो गैस के आयतन में कमी होती है, और जब हम पिस्टन को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे अर्थात यहाँ दाब को कम किया जाएगा, तो दाब को जब कम किया जाएगा तो आयतन में वृद्धि होगी, और जब दाब को बढ़ाया जाएगा तो आयतन में कमी होगी। तो ये दोनों ही स्थिति, जहाँ पर गैस का प्रसार होगा, जहाँ पर गैस का संकुचन होगा, इस आधार पर हम इसके प्रावस्था फलन के रूप में एंट्रोपी को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि गैस का आयतन V1 से V2 तक समतापी उत्क्रमणीय प्रसार करते हैं, तो समतापी उत्क्रमणीय प्रसार यदि हम टी टेम्परेचर पर करते हैं तो यहाँ पर जो ऊष्मा अवशोषित होगी वो होगी क्यू। तो डेल्टा एस तंत्र के लिए डेल्टा एस बराबर होता है क्यू अपॉन टी। तो चूंकि यहाँ पर टी टेम्परेचर पर क्यू ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो डेल्टा एस बराबर होगा क्यू अपॉन टी। इसी तरह से ऊष्मा कुंड के लिए यदि हम एंट्रोपी परिवर्तन देखेंगे तो चूंकि एंट्रोपी परिवर्तन ऊष्मा कुंड के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर ये माइनस क्यू अपॉन टी लिखा जा रहा है। इसका अर्थ है कि ऊष्मा कुंड से भी क्यू ऊष्मा की मात्रा कम हो रही है, क्योंकि क्यू ऊष्मा की मात्रा तंत्र द्वारा अवशोषित की जा रही है, ऊष्मा कुंड से क्यू ऊष्मा कम होती जा रही है। इसलिए जब हम डेल्टा एस लेते हैं ऊष्मा कुंड के लिए, अर्थात एंट्रोपी परिवर्तन जो हम ऊष्मा कुंड के ले लेंगे वो होगा माइनस क्यू अपॉन टी। और इस दोनों स्थिति के लिए, जबकि समतापी उत्क्रमणीय प्रसार हो रहा है, इन दोनों स्थितियों में जब हम तंत्र के लिए एंट्रोपी परिवर्तन और ऊष्मा कुंड के लिए एंट्रोपी परिवर्तन, चूंकि यहाँ पर एंट्रोपी परिवर्तन कुल देखा जाएगा तो उसमें तंत्र के लिए भी एंट्रोपी परिवर्तन होगा और ऊष्मा कुंड के लिए भी एंट्रोपी परिवर्तन होगा, तो दोनों स्थिति में हमें क्या प्राप्त हुआ है उसका हम योग करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर तंत्र की एंट्रोपी परिवर्तन में हमें क्यू अपॉन टी प्राप्त हुआ, ऊष्मा कुंड के लिए जो एंट्रोपी परिवर्तन है उसके लिए हमें माइनस क्यू अपॉन टी प्राप्त हुआ, दोनों को जब हम योग करते हैं तो यह मान होता है डेल्टा एस बराबर क्यू अपॉन टी माइनस क्यू अपॉन टी बराबर होगा शून्य। तो यहाँ पर डेल्टा एस का मान प्राप्त हुआ शून्य। यदि हम समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन देखेंगे तो यहाँ पर जो आयतन है वो V2 से V1 हो रहा है, तो जब आयतन V2 से V1 हो रहा है, संकुचन की क्रिया हो रही है, तो यहाँ तंत्र द्वारा जो उत्सर्जित ऊष्मा है उसे कुंड के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। तो तंत्र द्वारा चूंकि ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो अब हम एंट्रोपी परिवर्तन लिखेंगे तंत्र के लिए डेल्टा एस तंत्र बराबर माइनस क्यू अपॉन टी, क्योंकि तंत्र द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है और उसी ऊष्मा को ऊष्मा कुंड द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। तो अब ऊष्मा कुंड के लिए जो एंट्रोपी परिवर्तन होगा डेल्टा एस ऊष्मा कुंड के लिए बराबर होगा क्यू अपॉन टी। फिर से हम इन दोनों परिस्थितियों के लिए कुल एंट्रोपी परिवर्तन को योग करेंगे तो डेल्टा एस कुल बराबर क्यू अपॉन टी, यहाँ पर हम माइनस साइन लगा देंगे जो तंत्र के एंट्रोपी परिवर्तन को दर्शाता है, प्लस क्यू अपॉन टी जो परिवेश के एंट्रोपी परिवर्तन को बताता है, परिवेश यहाँ पर ऊष्मा कुंड है, इन दोनों का भी जब हम सम करते हैं तो हमें शून्य मान प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि यदि हम संपूर्ण चक्र के लिए, संपूर्ण चक्र का अर्थ ये है कि जब संकुचन हो रहा हो, जब प्रसार हो रहा हो, दोनों को जब हम वापस एक साथ जोड़ते हैं तो एक चक्रीय पूरा प्रोसेस होता है।
तो यहाँ पर कुल एंट्रोपी परिवर्तन यदि हम लेंगे तो डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू, डेल्टा एस वन जो कि समतापी उत्क्रमणीय प्रसार के लिए था और डेल्टा एस टू जो समतापी उत्क्रमणीय संकुचन के लिए दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों स्थिति में जो एंट्रोपी परिवर्तन हमें प्राप्त हुआ, दोनों स्थिति में हमें शून्य प्राप्त हुआ, तो कुल जो एंट्रोपी परिवर्तन होगा वो होगा शून्य। अब हम ये जानेंगे कि प्रावस्था संक्रमण की एंट्रोपी क्या होती है, अर्थात जब भी कोई पदार्थ एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में परिवर्तित होता है। यहाँ हम ले सकते हैं कि जब ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, या हम ले सकते हैं कि द्रव गैस में परिवर्तित होता है, अर्थात यहाँ एक प्रावस्था दूसरी प्रावस्था में परिवर्तित हो रही है या संक्रमण हो रहा है यहाँ पे, तो इस दौरान होने वाले एंट्रोपी परिवर्तन को हम प्रावस्था संक्रमण की एंट्रोपी कहते हैं। प्रावस्था संक्रमण की एंट्रोपी को भी हम जब दर्शाएंगे तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी के रूप में ही दर्शा सकते हैं। यहाँ पर जो क्यू है वह क्यू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के रूप में भी हो सकता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के रूप में भी हो सकता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के रूप में भी हो सकता है, यानी जिस प्रकार का प्रावस्था संक्रमण होता है उस आधार पर एंथैल्पी परिवर्तन को हम इस क्यू के बराबर मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे गलन की एंट्रोपी। गलन शब्द से ही आप परिचित हैं कि एक निश्चित तापमान पर कोई भी ठोस गलना प्रारंभ होता है, उस तापमान को कहते हैं गलनांक या मेल्टिंग टेम्परेचर। तो जब भी कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है एक निश्चित तापमान पर, तो इस दौरान भी एंट्रोपी में परिवर्तन होता है, क्योंकि हमने ये भी जाना कि जैसे जैसे अव्यवस्था बढ़ती है एंट्रोपी का मान बढ़ता जाता है। तो जब भी कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो एंट्रोपी के मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन है वो होगा गलन की एंट्रोपी। तो गलन की एंट्रोपी को यदि हम परिभाषित करें तो वो इस प्रकार होगा। तो गलन की एंट्रोपी वह एंट्रोपी होती है या वह एंट्रोपी परिवर्तन होता है जहाँ पर एक निश्चित गलनांक पर एक ग्राम मोल ठोस पदार्थ एक ग्राम मोल द्रव में परिवर्तित होने पर होता है। गलन की एंट्रोपी को हम व्यक्त कर सकते हैं डेल्टा एस एफ से। तो डेल्टा एस एंट्रोपी परिवर्तन है और एफ यहाँ पर फ्यूजन को शो करता है, यानी गलन की एंट्रोपी को शो कर रहा है। तो जब हम अवस्था परिवर्तन को देखते हैं या प्रावस्था संक्रमण को देखते हैं, एंट्रोपी परिवर्तन को देखते हैं, तो अंतिम प्रावस्था माइनस प्रारंभिक प्रावस्था होती है। तो चूंकि गलन की स्थिति में ठोस द्रव में गलित हो रहा है तो यहाँ पर द्रव की एंट्रोपी माइनस होगा ठोस की एंट्रोपी, तो इसलिए एस L माइनस एस एस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इक्वल टू है डेल्टा एच एफ अपॉन टी एम। तो जो डेल्टा एच एफ है ये यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन है लेकिन ये गलन की एंथैल्पी है, और जो टी एम है वो यहाँ मेल्टिंग टेम्परेचर को दर्शाता है कि एक निश्चित तापमान पर ही कोई ठोस गलना प्रारंभ हो रहा है। एस एल है वो एक ग्राम मोल जो द्रव है उसके लिए एंट्रोपी है, और जो एस एस है वो यहाँ पर एक ग्राम मोल ठोस की एंट्रोपी को दर्शाता है। यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है, चूंकि डेल्टा एच एफ अपॉन टी एम लिखा हुआ है, इसे हम डेल्टा एच फ्यूजन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और टी एम को हम केवल टी भी लिख सकते हैं। समझने वाली बात है कि यहाँ पर जब भी कोई ठोस गलता है तो एक निश्चित टेम्परेचर पर ही गलेगा और वह टेम्परेचर भी मेल्टिंग टेम्परेचर कहलाता है। अगला है वाष्पन की एंट्रोपी। वाष्पन की एंट्रोपी या एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, जब भी कोई द्रव वाष्पीकृत होता है तो यहाँ पर एंट्रोपी में वृद्धि होती है। तो संक्रमण हो रहा है, एक प्रावस्था से दूसरे प्रावस्था में परिवर्तन हो रहा है, एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है, तो ये भी एक एंट्रोपी परिवर्तन के रूप में ही लिया जाएगा। तो वाष्पन की एंट्रोपी का अर्थ यही है कि जब भी कोई द्रव एक निश्चित क्वथनांक पर वाष्पीकृत होकर के उतनी ही मात्रा में वाष्प बनाता है तो इस दौरान होने वाले एंट्रोपी परिवर्तन को कहेंगे वाष्पन की एंट्रोपी। वाष्पन की एंट्रोपी वह एंट्रोपी परिवर्तन है जो कि एक निश्चित क्वथनांक पर एक ग्राम द्रव के एक ग्राम मोल वाष्प में परिवर्तित होने पर
होता है। तो यहाँ पर जो वाष्पन की एंट्रोपी है उसे डेल्टा एस वेब से दर्शाया गया है। डेल्टा एस वेब का अर्थ है कि वाष्पन की एंट्रोपी बराबर, चूंकि यहाँ पर अंतिम प्रावस्था वाष्प है इसलिए एस वी माइनस प्रारंभिक प्रावस्था द्रव है इसलिए एस एल लिखा गया है, इक्वल टू डेल्टा एच वेब अपॉन टी बी। तो जो डेल्टा एच वेब है ये यहाँ पर वाष्पन की एंथैल्पी को दर्शाता है और टी बी यहाँ पर बॉइलिंग टेम्परेचर या क्वथनांक को दर्शाता है। तो जब भी कोई द्रव एक निश्चित तापमान पर उबलता है तो वाष्प में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर जो तापमान है वो बॉइलिंग टेम्परेचर या क्वथनांक कहलाता है। तो डेल्टा एच वेब अपॉन टी बी हमने लिखा, तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार एंट्रोपी परिवर्तन हो रहा है, यानी द्रव से वाष्प में परिवर्तन होता है, इस दौरान एंट्रोपी चेंज होता है, इसे हम वाष्पन की एंट्रोपी कहते हैं। अगला है ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी। ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी का अर्थ है कि जब भी कभी 1 ग्राम मोल ठोस सीधे ही वाष्प में परिवर्तित होता है एक निश्चित तापमान पर, या हम कह सकते हैं कि जो भी उसका गलनांक है उससे कम टेम्परेचर पर ही वह सीधे ही वाष्प में परिवर्तित होता है। ठोस के बाद द्रव होना चाहिए, द्रव के बाद गैस में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जब ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है तो ठोस सीधे सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है। तो इस दौरान जो प्रावस्था संक्रमण हो रहा है इस समय जो एंट्रोपी परिवर्तन है वो कहलाएगा ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। तो इसलिए डेल्टा एस एस यू बी लिखा हुआ है। तो डेल्टा एस एस यू बी इज इक्वल टू होगा अंतिम प्रावस्था क्या है यहाँ पर गैस, तो एस वी माइनस एस एस। तो यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं डेल्टा एस सब्लिमेशन या एस यू बी इक्वल टू एस वेब माइनस एस सॉलिड। तो सॉलिड वाष्प में चेंज हो रहा है, तो वाष्प अंतिम प्रावस्था और सॉलिड प्रारंभिक प्रावस्था, इक्वल टू डेल्टा एच एस यू बी यानी ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी बटा टी एस यू बी, मतलब एक निश्चित तापमान है जहाँ पर एक जो सॉलिड स्टेट है वो सीधे वेपोराइज फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी है उसे डेल्टा एस एस यू बी से दर्शाया गया है, और सूत्र हम लिख सकते हैं डेल्टा एच एस यू बी अपॉन टी एस यू बी। तो यहाँ भी प्रावस्था संक्रमण की स्थिति दिखाई दे रही है। एंट्रोपी आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न पहला, 1 मोल ठोस बर्फ के 273 केल्विन पर जल में बदलने पर एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कीजिए। गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 6025 जूल प्रति मोल है। यहाँ एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करना है। एंट्रोपी परिवर्तन बराबर यानी डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच फ्यूज़न अपॉन टी टेम्परेचर। डेल्टा एच फ्यूज़न यहाँ गलन की एंथैल्पी को शो कर रहा है, तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच एफ यू एस यानी फ्यूज़न गलन की एंथैल्पी बटा टी। टी का मान यहाँ 273 और डेल्टा एच फ्यूज़न की वैल्यू दी हुई है 6025 जूल पर मोल। जब हम इसे हल करते हैं तो डेल्टा एस बराबर 6025 अपॉन 273 इक्वल टू 22.1 जूल पर केल्विन पर मोल। प्रश्न दूसरा, एंट्रोपी आधारित प्रश्न है ये भी। बर्फ की गलन एंथैल्पी का मान 6.025 किलो जूल पर मोल है। जब 9 ग्राम बर्फ जल में 273 केल्विन पर पिघलती है तो होने वाली एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कीजिए। बर्फ के लिए मोल यहाँ पर ज्ञात करेंगे, चूंकि मोलों की संख्या जब हम ज्ञात करते हैं तो दिया गया द्रव्यमान बटा उसका आणविक द्रव्यमान, तो W बटा कैपिटल M से शो करेंगे आणविक द्रव्यमान को, बराबर 9/18। 9 यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान है बर्फ के लिए और 18 जल का आणविक द्रव्यमान है, तो मोलों की संख्या प्राप्त हो गई 0.5। 0.5 मोल बर्फ के लिए डेल्टा एच फ्यूज़न इक्वल टू 6.025 इंटू
0.5 किलो जूल। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू प्राप्त होती है 3012.5 जूल। यहाँ भी एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करना है तो डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी। तो डेल्टा एच फ्यूजन की वैल्यू है 3012.5 अपॉन 273। यहाँ पर जो मान प्राप्त होता है वह है 11.03 जूल पर केल्विन। एंट्रोपी आधारित अगला प्रश्न है, जल के लिए डेल्टा एच वेप एवं वेपोराइजेशन भी कहते हैं इसे एवं डेल्टा एस वेप का क्रमशः 40.73 किलो जूल पर मोल व 109 जूल पर केल्विन पर मोल मान है। वह तापक्रम ज्ञात कीजिए जिस पर द्रव जल जलवाष्प के साथ साम्य में हो। डेल्टा एच वेप यानि वाष्पन की एंथैल्पी का मान यहाँ पर है 40.73 किलो जूल पर मोल। इसे जब हम जूल में परिवर्तित करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वह होगी 40,730 जूल पर मोल। डेल्टा एस वेप की वैल्यू है 109 जूल पर केल्विन पर मोल। टी बी बराबर डेल्टा एच वेप बाय डेल्टा एस वेप, यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। तो यहाँ 40,730 जूल पर मोल अपॉन 109 जूल पर केल्विन पर मोल ज्ञात करेंगे कितने टेम्परेचर पर यह साम्यावस्था पर होगा, तो वह मान प्राप्त हुआ 373 केल्विन। तो यह वह टेम्परेचर है जहाँ पर द्रव जल जल वाष्प के साथ साम्यावस्था में होता है। अब हम जानेंगे मानक अवस्था में एंट्रोपी परिवर्तन यदि हमें ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में जब हम देखते हैं तो आवश्यक नहीं है कि केवल एक ही अभिकारक हो या एक ही उत्पाद हो, कई सारे अभिकारक मिलकर कई सारे उत्पाद फॉर्म कर सकते हैं। तो जब हम ये देखें कि मानक परिस्थिति में एंट्रोपी परिवर्तन हमें ज्ञात करना है तो मानक परिस्थिति में अभिकारक भी हो और मानक परिस्थितियों में उत्पाद भी हो, तो मानक परिस्थितियों में एंट्रोपी परिवर्तन बराबर होगा मानक परिस्थितियों में जो उत्पाद के एंट्रोपियों का योग, यानी जितने भी उत्पाद है उन सब की एंट्रोपी का योग माइनस होगा जितने भी अभिकारक हैं उनकी मानक परिस्थिति में एंट्रोपियों का योग। तो उत्पाद के एंट्रोपी के योग से अभिकारक की एंट्रोपी के योग को जब हम घटाते हैं तो हमें एंट्रोपी परिवर्तन प्राप्त होता है। तो जब भी मानक परिस्थिति में एंट्रोपी परिवर्तन को हम ज्ञात करेंगे, डेल्टा एस नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ जितने भी उत्पाद हैं, तो उत्पादों का समेशन को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एस नॉट माइनस जितने भी अभिकारक हैं उसका सम करना है, तो समेशन साइन लगाकर एस नॉट। तो जो एस नॉट है मानक स्थितियों में एंट्रोपी परिवर्तन को दर्शाता है। इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के संख्यात्मक प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। जितने भी अभिकारक हैं उन सबकी एंट्रोपियों का योग कर ले और जितने भी उत्पाद है उनके एंट्रोपियों का योग कर ले मानक परिस्थितियों में, फिर उत्पाद से अभिकारक के जितने भी एंट्रोपी हमें ज्ञात हुए हैं उसको हम जब माइनस करते हैं तो हमें एंट्रोपी परिवर्तन मानक परिस्थिति में प्राप्त हो जाती है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कीजिए, इस तरह के प्रश्न में समीकरण दिया है और यहाँ पर विभिन्न अभिकारक और उत्पाद के मान दिए होंगे। इस आधार पर हम और अंतर के आधार पर अभिकारकों के जितने भी एंट्रोपी परिवर्तन की वैल्यूज़ होंगी और जो उत्पाद हैं उसमें जितने भी एंट्रोपी परिवर्तन का मान होगा उन सब का जब हम अंतर निकालते हैं तो डेल्टा एस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो H2Cl2 और HCl की मानक मोलर एंट्रोपियाँ क्रमशः 130.6, 223 एवं 186.7 जूल पर मोल पर केल्विन है। यहाँ पर जब हम एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करेंगे, चूँकि यहाँ पर H2 एवं Cl2
अभिकारक है जबकि 2HCl उत्पाद है। तो उत्पाद चूंकि यहाँ पर HCl केवल एक ही प्रकार का यौगिक है और इसके मोलों की संख्या 2 है, तो HCl के लिए जो एंट्रोपी का मान दिया है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 186.7 माइनस, अब यहाँ पर H2 एवं Cl2 के एक एक मोल है और उनकी वैल्यूज़ दी हुई है, तो 1 × 130.6 यह यहाँ पर शो होता है H2 के लिए। इसमें हम प्लस करेंगे जो Cl2 की वैल्यू दी हुई है एंट्रोपी के लिए, वह है 223, चूँकि Cl2 का एक मोल है तो 1 × 223, इसे हम हल करेंगे। हल करने पर जो मान प्राप्त होता है 2 × 186.7 = 373.4 माइनस, जब हम दोनों वैल्यूज़ को जोड़ते हैं अर्थात H2 एवं Cl2 के लिए, तो मान प्राप्त होता है 353.6। अब हम इसे हल करेंगे तो मान आता है 19.8 जूल पर केल्विन। यह एंट्रोपी परिवर्तन को शो करता है। अब हम कुछ एंट्रोपी परिवर्तन के बारे में जानेंगे, अलग अलग तंत्र में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विलगित तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से अब तक सीख चुके हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो द्रव्य का आदान प्रदान होता है और ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि कोई स्वतः प्रवर्तित घटना हो रही है तो अव्यवस्था लगातार बढ़ती जाती है, तो अव्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी का मान भी बढ़ता है। दूसरा है खुला तंत्र। खुला तंत्र का अर्थ है कि जब तंत्र और परिवेश के बीच में ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता हो उसे खुला तंत्र कहते हैं। तो खुले तंत्र में एंट्रोपी को समझने के लिए हमें 2 अलग अलग प्रक्रम को पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम में हम देखेंगे कैसे एंट्रोपी परिवर्तन होता है। तो यदि तंत्र की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है तो उतनी ही मात्रा में जो परिवेश की एंट्रोपी है वो कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ उत्क्रमणीय प्रक्रम की हम बात कर रहे हैं। तो यदि तंत्र और परिवेश में एंट्रोपी परिवर्तन को हम दोनों एंट्रोपी परिवर्तन को जोड़ते हैं तो कुल एंट्रोपी परिवर्तन प्राप्त होता है। तो चूंकि तंत्र की एंट्रोपी बढ़ रही है तो परिवेश की एंट्रोपी घट रही है, तो इस स्थिति में जो एंट्रोपी परिवर्तन होगा वो होगा डेल्टा एस कुल बराबर डेल्टा एस तंत्र प्लस डेल्टा एस परिवेश। तो चूंकि तंत्र की जो एंट्रोपी परिवर्तन का मान हम लिख सकते हैं क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और जो परिवेश है तो चूंकि परिवेश की एंट्रोपी घट रही है इसलिए हम इसे डेल्टा एस जो सराउंडिंग या परिवेश के रूप में लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो माइनस जो है वो शो करता है कि तंत्र की एंट्रोपी घट रही है। तो जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो कुल एंट्रोपी प्राप्त होता है 0। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए हम देख रहे हैं कि एंट्रोपी परिवर्तन 0 है। अब हम जानेंगे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। तो प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं होती हैं वह अनुत्क्रमणीय होती हैं, और ये माना जाता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। किसी भी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी किस प्रकार से परिवर्तित होता है वो जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, तो डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। तो यदि यहाँ पर हम ये माने कि चूंकि परिवेश बहुत विशाल है तो यहाँ जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसको हम बहुत सूक्ष्म मान सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म रूप से काउंट होगा क्योंकि परिवेश बहुत विशाल है। तो यहाँ पर हम जो प्रोसेस है वो क्यू रिवर्सिबल ना लेकर हम इसे क्यू इरिवर्सिबल के रूप में ले सकते हैं। तो डेल्टा एस इक्वल टू माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। तो किसी भी उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जो ऊष्मा का मान है वो अधिक होगा अनुत्क्रमणीय की तुलना में। तो क्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल। डेल्टा एस को यदि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए निकालेंगे तो वह होगा डेल्टा एस तंत्र प्लस डेल्टा एस परिवेश। तो चूंकि डेल्टा एस जो तंत्र है उसके लिए है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी माइनस q
क्यू इरिवर्सिबल अपॉन, दोनों को यदि हम देखें तो चूंकि क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू अधिक है इरिवर्सिबल की तुलना में, डेल्टा एस का जो मान हमें प्राप्त होगा वो यहाँ पर धनात्मक मान प्राप्त होता है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव प्राप्त हुआ इस कारण, क्योंकि क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू क्यू इरिवर्सिबल की वैल्यू से अधिक है। तो जो यहाँ पर डेल्टा एस का मान हमें प्राप्त हुआ वो धनात्मक मान प्राप्त होता है। तो इससे समझ में आता है डेल्टा एस की वैल्यू धनात्मक प्राप्त होती है, अर्थात ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं प्रायः अनुत्क्रमणीय होती हैं, तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जो भी एंट्रोपी परिवर्तन है वो धनात्मक आया, यानी एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है, अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। इसी तरह से हम इसे सारांश रूप दे सकते हैं कि किसी भी उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जो ब्रह्मांड की एंट्रोपी है वो स्थिर होती है, और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए जो तंत्र का एंट्रोपी परिवर्तन का मान है वह शून्य होता है। तो एंट्रोपी परिवर्तन को यदि हम स्वतः प्रवर्तिता से जोड़ना चाहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी परिवर्तन का मान यदि शून्य है तो यहाँ साम्यावस्था की स्थिति होगी, और यदि एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक है तो ये प्रक्रम जो है स्वतः प्रवर्तित होगा। यदि एंट्रोपी परिवर्तन का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो ये अस्वतः प्रक्रम को दर्शाता है। एंट्रोपी परिवर्तन एक मात्रात्मक गुण होता है जो कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है।